नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, मात्र 4 से 5 मिनट में हम इसे याद कर लेंगे। साथियों, एक कृषि से रिलेटेड भी है और आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है और जीके से भी रिलेटेड है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं आपके, चाहे सुपर टेट दें, चाहे टेट दें, चाहे सी टेट दें बच्चों, चाहे आप लेखपाल की आने वाली वैकेंसी दें बच्चों में बैठे हैं, या फिर रेलवे या फिर SSC के किसी एग्जाम्स में बैठे हैं, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, आगे बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं आपको पता है, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे बच्चों, 100% बनेंगे। मात्र एक ट्रिक से आप याद कर लेंगे। सबसे पहले, रवि की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, एक छोटा सा नकदी फसल है, यह किसी सीजन का तो नहीं है, लेकिन यहाँ से नकदी फसल पूछे जाते हैं बच्चों। तो हम आपको बताते हैं सारे करके एक एक के। यहाँ से हमने ट्रिक तो लिखी रखे हैं, और एक चीज़ और पूछ लेता है कि कब यह बोया जाता है और कब काटा जाता है, कौन सी शीतकालीन फसल है और कौन सा मानसूनी फसल है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बन जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, रवि की फसल कब बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च में काट ली जाती है बच्चों, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। यानी कि बच्चों, जब दीपावली शुरुआत होता है, दीपावली सीजन मतलब ये ठंडी जैसे शुरुआत होती है, दीपावली से बोला जाता है, उस समय इसकी बुआई होती है रवि फसल की, और होली तक में काट ली जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है बच्चों। तो इसका ट्रिक देखिएगा, नाई हूटर, बस एक याद दो तीन बार आप बोल लीजिए इसे, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई का हूटर बजते ही, यहां पर का लिख लेंगे तो आपको ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, नाई का हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई का हूटर बजते ही जोश में भालू, 10 बार बच्चों वीडियो स्टॉप करेंगे, जैसे ही पॉज करेंगे 10 बार कॉपी पे लिख लेंगे या फिर बोल लेंगे, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू, नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ये कौन सी फसल, रवि की फसल है, जिसे हम शीतकालीन फसल बोलते हैं। याद रखना बच्चों, दीपावली के समय बुआई होती है और होली तक काट लिया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में बच्चों काट दिया जाता है। क्या ट्रिक है बच्चों, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू। अब याद रखना, देखना, ना से बच्चों चना, ना से याद रखेंगे चना, ई से याद रखेंगे राई, क्या बच्चों राई याद रखेंगे राई, ई से राई याद रखेंगे, हु से बच्चों गेहूं याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे गेहूं याद रखेंगे, टर से याद रखेंगे मटर बच्चों, क्या याद रखेंगे मटर याद रखेंगे, जो से याद रखेंगे जौ बच्चों, क्या जौ याद रखेंगे, स से याद रखेंगे बच्चों सरसों याद रखेंगे, और भालू से याद रखेंगे आलू बच्चों। यहां से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, याद हो गया होगा आपको, हम यहां तक आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं खरीफ की फसल बच्चों, खरीफ की फसल के लिए भी मैक्सिमम आपको तुरंत का तुरंत अभी याद हो जाएगा। देखना, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है बच्चों, और दीपावली यानी नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। बताना, ख पहले आता है ना, ख पहले आता है या र पहले आता है, पहले ख आता है फिर र आता है, तो जब ख पहले आता है तो जून जुलाई का महीना में छुट्टी आप कब मनाते हो, जून जुलाई में मनाते हो ना, इसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई के बाद, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जून जुलाई आप छुट्टी मना लेते हो, जैसे छुट्टी मना लेते हो फिर इसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देते हो बच्चों। तो जून जुलाई में बुआई होती है और कब कटाई हो जाती है, नवंबर दिसंबर में, मतलब कि दीपावली स्टार्टिंग में ही कटाई हो जाती है, मतलब दीपावली स्टार्टिंग में जैसे ही कटाई होती है वैसे शीतकालीन का माहौल आ जाता है बच्चों। जैसे शीतकालीन आता है वैसे हम क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में बुआई करते हैं बच्चों, इस कारण रवि की फसल का कटाई कर लेते हैं मार्च तक में, मार्च अप्रैल तक में, ये तो रवि फसल हो गया, लेकिन जून जुलाई में बुआई करते हैं इसका, और कटाई कब करते हैं बच्चे, नवंबर दिसंबर में दीपावली तक के समय में करते हैं, इसे कहते हैं मानसूनी फसल कहते हैं, क्या कहते हैं मानसूनी फसल कहते हैं। इसका ठीक आराम से देखिएगा, अरे गधे बाजा मत बजा, क्या बच्चों, अरे गधे बाजा मत बजा, 3-4 बार बोल लीजिए, पहले का क्या था, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई हूटर बजते ही जोश में भालू बच्चों, याद हुआ, बस इसके बाद खरीफ की फसल याद करने में चुटकी का समय बच्चों, चुटकी का खेल है, बस 1-2 बार बोल लो, कम से कम बच्चों 1-2 बार लिख लो और 10-15 बार बोल लो, वीडियो को पॉज करो तुरंत बोल लो फटाफट, अभी का अभी, बाद पे काम नहीं टालेंगे, अभी का भी बोल लो बच्चों। देखो याद ना हो गया तो कहना, लिख लेना, खरीफ की फसल, अरे गधे बाजा मत बजा, बोल लो 3-4 बार, अरे गधे बाजा मत बजा, अरे गधे बाजा मत बजा, अरे गधे बादा बाजा मत बजा बच्चों। तो अ से अरहर, अरे से अरहर की दाल आपने देखा ही होगा बच्चों, खेत में बहुत सारे होते हैं, हरियालियां होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती हैं। इसका ग से बच्चों, ग से याद रखेंगे, देखिए अरे गधे बाजा मत बजा, तो ग से याद रखेंगे बच्चों, ग से गन्ना बच्चों, गन्ना याद रखना, और ध से बच्चों, ध से याद रखेंगे, ध से याद रखेंगे बच्चों, धान, धान को ही चावल के रूप में हम देखेंगे, धान को ही चावल के रूप में देखेंगे, धान को चावल के रूप में भी देखेंगे, याद रख लेना। बा से बच्चों, बा से बाजरा, 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 बा से बाजरा याद रखेंगे, बाजरा,
जा से बच्चों, जा से याद रखेंगे बा से बाजरा, और जा से क्या याद रखेंगे बच्चों, जा से याद रखेंगे आप ज्वार, ज्वार याद रखेंगे, ज्वार जौ नहीं ज्वार, ज्वार याद रखेंगे। म से मक्का याद रखेंगे बच्चों, मक्का, और त से तिलहन याद रखेंगे, तिलहन। यह सारे के सारे कौन सी फसल हो गए बच्चों, गन्ना, अरहर, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन बच्चों हो गए हमारे खरीफ के फसल। कब बोए जाते हैं, जून जुलाई में बोए जाते हैं, और ठंडी के स्टार्टिंग में ही काट लिए जाते हैं, मतलब दीपावली में ही काट दिया जाता है, मतलब नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है बच्चों, इसे मानसूनी फसल बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, मानसूनी फसल किसे बोलते हैं, बता देंगे खरीफ की फसल को मानसूनी फसल बोलते हैं बच्चों, याद हुआ। और बोला जाता है शीतकालीन फसल किसे बोलते हैं, बता देंगे रबी की फसल को शीतकालीन फसल बोलते हैं बच्चों, याद रख लेना। और रबी की फसल का ट्रिक क्या था बच्चों, नाई हूटर मत, नहीं सॉरी, नाई हूटर बजने ही, बजते ही जोश में आया भालू, या फिर नाई के हूटर बजते ही जोश में भालू, नाई के हुटर बजते ही जोश में भालू बच्चों। तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू बच्चों, ये सब रवि के फसल में आ जाते हैं। और यहाँ पे है अरे गधे बाजा मत बजा, अरे गधे बाजा मत बजा, तो अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन बच्चों आ जाता है आपका खरीफ की फसल में। बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग जायद की फसल पे बच्चों, इन दोनों का मिडेटरी बच्चों, इन दोनों के बीच में उगाया जाता है, जो कब से कब बोया जाता है, तो मई जून से जुलाई अगस्त में के बीच बोया जाता है बच्चों, मई जून याद रखना, मई जून में बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, यह चीज यह याद रख लेना। इसका बच्चों जायद फसल कहते हैं, ताऊ खीरा खा के मेरा मुंह मोड़ा, मोड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लिख लेना, ताऊ खीरा खा के मेरा मुंह मोड़ा, ताऊ खीरा खा के मेरा मुंह मोड़ा, करे ताऊ, तो ता से तरबूज याद रखेंगे, तरबूज याद रख लेना बच्चों, ता से तरबूज याद रखना, ऊ से उड़द याद रख लेना, उड़द याद रख लेना, ऊ से उड़द, ख से खीरा से बच्चों खीरा याद रख लेना, खीरा वही जो पानी वाला होता है, खा से बच्चों खरबूज याद रख लेना, खरबूज, तरबूज खरबूज अलग अलग होते हैं बच्चों, याद है कि नहीं, वाटरमेलन होता है तरबूज बड़का वाला, जो हिरमाना होता है उसे तरबूज बोलते हैं, खरबूज मतलब कि जिसको ऊंट खा गया था और सियार को मार करवाया था, कहानी याद होगा ना, खरबूज, खरबूज बच्चों जो दादी अम्मा सुनाती थी। केस से बच्चों याद रखना, केस से ककड़ी याद रख लेना, ककड़ी, ककड़ी वही जो टेढ़ा मेढ़ा होता है बच्चों। मुंह से मूंग याद कर लेना, मूंग की दाल आती है ना, मूंग की दाल। वैसे बच्चों जितने दलहन होते हैं लगभग लगभग जायद में आ जाते हैं, जैसे देखना तरबूज, जब अरहर इसमें है, लेकिन याद रखना बच्चों जो उड़द मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, वह हमारा जायद की फसल है, याद रखना। मूंग, मूंग के बाद बच्चों मोड़ा से बोड़ा याद रखना, बोड़ा वही जो सब्जी, जितनी सब्जियां होती है ना सब कुछ इसमें आ जाता है जायद की फसल में। अब एक लास्ट ट्रिक है बच्चों, जो पूछा जाता है आपसे कि नगदी फसल कौन सी होती है, ये कोई मानसूनी फसल नहीं है, ये किसी मौसम में नहीं बोया जाता है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं, याद कर लेना, बस डायरेक्ट पूछा जाता है नगदी फसल, नगदी फसल कौन कौन से होते हैं बच्चों, उसके लिए ट्रिक है कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू, का से कपास, कपास, का से कपास याद रख लेना बच्चों, ग से गन्ना, ग से गन्ना, ग से गन्ना याद रख लेना, और तंबाकू से तंबाकू आपको पता ही है, और ज से जूट, जूट। ये चार फसल बच्चों, ये चार फसल जो है ये हमारे नगदी फसल में आ जाते हैं, कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू बच्चों। चारों फिर से ट्रिक बता दें आपको, पहला है नाई का हुटर बजते ही जोश में आया भालू, तो ना से चना, ई से राई, हू से गेहूं, टर से टमाटर, मटर, जौ से जौ बच्चों, जो से जौ, स से सरसों, भालू से भालू हो गया बच्चों। कब बोया जाता है बच्चों बता देंगे, यह बोया जाता है, यह बोला, यह बोया जाता है बच्चों नवंबर दिसंबर में, और काट लिया जाता है जुलाई, मार्च और अप्रैल के बीच में बच्चों, याद रखना इसे, इसे शीतकालीन फसल बोलते हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बच्चों जुलाई, जून जुलाई में बोया जाता है, और इसे काट लिया जाता है नवंबर दिसंबर में, जब दीपावली की स्टार्टिंग यानी कि ठंडी स्टार्टिंग होती है, इसे मानसूनी फसल बोलते हैं। जायद की फसल इन दोनों के बीच में बोया जाता है बच्चों, कब बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है, और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में बच्चों खरीफ की फसल बुआई शुरू हो जाती है, खरीफ की फसल जैसे बुआई होती है नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, फिर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है बच्चों क्या आपका रबी की फसल बुआई, उसे फिर से कब काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है बच्चों, याद रखना। ये सारे के सारे ट्रिक है बच्चों, ताऊ खीरा खा के मेरा मुंह मोड़ा, तो ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा से खीरा बच्चों, खा से खरबूज, के से ककड़ी, मुंह से मूंग, और मोड़ से मोड़ा बच्चों, याद रखना बच्चों। यहाँ पे नगदी फसल कौन सा है, कागज में तंबाकू यानी कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू बच्चों, कागज में तंबाकू याद रखना, नगदी फसल कौन सा है, कागज में तंबाकू बच्चों, कागज का से कपास हो गया, जैसे बच्चों आपका जूट हो गया, ग से गन्ना हो गया, और त से तंबाकू हो गया, याद हो गया, बस इतनी ही बातें थी। ऐसे ट्रिक चाहिए बच्चों, ऐसे ट्रिक हम धीरे धीरे सब कुछ दे डालेंगे आपको बच्चों, बस आप बने रहना लास्ट तक, उसे शेयर कर देना। नमस्कार एंड धन्यवाद।